बारिश को छोड़कर के, बारिश जब भी रहता है ना तो हवा में नमी रहती है तो पौधे को सेट होने में दिक्कत नहीं आती है। देखिए ये तो मर नहीं मरा है, जिंदा ही है, एकदम जिंदा है। आपका पानी अभी डबाडब अच्छे से चालू चाहिए, पानी की यहाँ पर थोड़ी सी मुझे आपके ड्रिपर होने में कमी कुछ लग रही है। कब चालू है? 12 mm का है। चालू कब किया मोटर? 12 mm का लग रहा है। ये यहाँ तक पूरा गीला होना था, एक चूक क्या हुई है, आपने शायद सूखे में गड्ढा करके फिर लगाया। पहले पानी चलाया था, फिर दिख नहीं रहा ना पानी का, उतना नहीं भीगा था जितना भीगना चाहिए। ये गलती है ना। अच्छा, केले को पानी ही पानी चाहिए ये माइंडसेट रखो, लेकिन ताजा पानी, रोज का पानी, लगातार पानी, कीचड़ वाला पानी नहीं। अभी ये सूखे, आपने जहाँ लगाया ना वहां पर भी सूखी ढेरियां हैं, तो हमने अगर पानी चलाया था तो ये सूखा क्यों है? मतलब ये थोड़ी सी चूक हुई है, इसके लिए ये पत्ते सूख रहे हैं। केला कभी भी लगाते हैं तो कम से कम इतना मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए। अभी ये सूखा है पूरा, ये केला लगाने के लिए सफिशिएंट नमी है ही नहीं, पूरा सूखा ही है, तो पूरा भीग जाए। भले पौधे आ गए हैं उसको रखे रखो, दो चार दिन, पांच दिन चलाओ। उपाय क्या सर, बचाना है मेरे को? मैं तो अभी डब्बे से और डलवाते जाइए, इसमें एक बार 5-5 लीटर पानी डाल दो सारे पौधों में, 24 घंटे चला, ताकि ये नमी हो जाए। और ड्रिप बंद नहीं करना है अभी 24 घंटे, ये सारी जो सूखी ड्राई लैंड है ये नम में हो जाए, सूखा चाहिए यहाँ पर। इसका ऐसा जमीन है कि रोज जैसा पानी डाले ना सूख जाता है, सूख तो जाता है, लेकिन ये तो गीला होना चाहिए ना, जहाँ पौधा लगा रहे हैं जहाँ ड्रिप है वहाँ तो गीला होना चाहिए ना। लंबिया जितना भी पानी गिरता है ना, ये एरिया ऐसा है, यहाँ अपन ये मान के चले कि ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं बरसाती एरिया। हाँ। मतलब जुलाई अगस्त सितंबर के यहाँ हम राजा हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। अक्टूबर से हम थोड़े से मीडियम हो गए। हाँ। दिसंबर में हम गरीब हो गए। हाँ। और फरवरी के बाद हम भिखारी हो गए पानी के मामले, पानी के मामले, चाहे वो पानी कितना भी हो। तो मतलब ये है कि अभी जैसा ये केला, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि 1 लीटर में इसका काम चल जाएगा, तो ये समझ लीजिए दिसंबर में इसको 2 लीटर लगेगा, फरवरी में ये 4 लीटर चला जाएगा खपत, पानी की खपत, मतलब 4 गुना इसकी सॉइल की रिक्वायरमेंट। मई में 10 गुना लगेगा, मई में 10 गुना लगेगा। अगर ये सॉइल का टेक्सचर और टाइप है तो इसमें आपने डबल ड्रिप डालना चाहिए, एक इधर भी ड्रिप, क्योंकि आपकी ड्रिप 12 mm है, पतली है, 12 mm है ना, ये अगर 16 mm या 20 mm होती तो सिंगल ड्रिप चलती, वो फ्लो ज्यादा आता, हालांकि आपका पॉकेट बहुत ही छोटा है तो भी ये चल सकती है, लेकिन पानी तो लगेगा, पानी डेली लगेगा। आज की कंडीशन में इसको 24 से 36 घंटे ड्रिप नॉन स्टॉप चलना चाहिए, उसके बाद डेली 3 घंटे चलना चाहिए, 2 घंटे चलना चाहिए। अगर पानी अभी है तो फ्लड इसको दिया जा सकता है, भले पूरा गीला हो जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको उसका फायदा ही होगा, ये घास जल्दी जल्दी उख जाएगी तो सूखेगा भी नहीं, थोड़ा सा फर्क। ये बच्चे की जैसा है, कोतली से बच्चा बाहर हुआ तो पकड़ के रखो, लाड़ प्यार करो जब तक बड़ा होता है। अभी ये ट्रे से बाहर हुआ तो ये जो है ना स्ट्रेस का सनबर्न है, ये स्ट्रेस का है, पोंगा कड़क है, पत्ता कड़क है, पौधे में कहीं दिक्कत नहीं है, इसको अब पानी नहीं मिला तो ये रुकेगा और मरेगा, अभी इसको पानी कंटिन्यू मिला तो ये चलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कीचड़, तो अपनी जमीन ऐसी है ही नहीं कि पानी ज्यादा दे तो कीचड़ हो जाए, तो इसको एक बार आप अगर फ्लड भी दे दो तो पूरे को भिगो दो, फ्लड देने में ड्रिप बंद मत करना, नहीं तो इधर से फ्लड देना चालू किया और ड्रिप भी बंद हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहला काम पाइप को छोड़ दीजिए और डब्बे से पानी डलवा दीजिए, इसीलिए पलने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि आप सीजन में हम बड़ा पौधा देते हैं, अगर यहाँ छोटा पौधा होता 4 पत्ते का तो अभी मरा हुआ होता। ये पानी के मिसअंडरस्टैंडिंग में बारिश जो है जून लास्ट से जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो टाइम है इसमें हवा में नमी बहुत रहती है, पानी आ ही जाता है तो पौधा सेट हो जाता है, तो वो नॉर्मल साइज का 4 से 5 पत्ते का पौधा चलता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर अभी इसको सेट होने में, ये धूप लग रही है, पानी हमारी जमीन में नहीं है, अप्रैल मई में बड़ा ही पौधा हम जानबूझकर भेजते हैं ताकि दिक्कत ना आए, तो पौधा अच्छा है, कोई चिंता नहीं है, पानी मेंटेन करो, वही इतना ही करना है। खड़ा तो हो जाएगा ना, मैं ये सब खड़ा ही है, पीला पीला हो गया है तो ये जा रहा है। ये नर्सरी के पत्ते हैं,
पौधा खड़ा ही है, डंडा तना ही है, ये जो ड्राइनेस है इसमें हवा लग करके ये पत्ते ड्रॉप हो रहे हैं, ये पत्ते धीरे धीरे चले जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं पत्ते, ये तो ये पानी यहाँ पर अभी आप एक 4-5 लीटर पानी डाल दो और बाकी ड्रिप चलने दो। ये 5-7 है ना, क्या रखा है ग्राफ आपने, लाइन से लाइन, पौधे से पौधा? ये 8 है, ये 5-8, 5x8, ये पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट है और लाइनों की दूरी 5-5 फीट पे, और ये जिगजैग में है, आमने सामने नहीं है, तिरछा है। अब अगर इस पौधे को देखेंगे सराउंड में, पूरा सराउंड देखेंगे, तो ये 8 फीट, ये 7 फीट, ये 10 फीट, मतलब इसका जब पत्ता आएगा तो एक दूसरे में ओवरलैपिंग नहीं करेगा, ये आउट साइड में रहेगा। और बड़े बायर को चाहिए क्या कि जब माल टंगा हो उस समय पत्तों की संख्या ज़्यादा चाहिए, तो एक दूसरे में अगर ओवरलैपिंग है तो नीचे का पत्ता छाँव के कारण ड्रॉप हो जाता है, सिगटों का आ जाता है, और साइड में है तो पत्तों की संख्या ज़्यादा रहेगी, वही माल ज़्यादा ट्रेवल होगा। मैंने अभी जैसे बताया कि आपसे पूछा पोर्ट भी कहाँ है विशाखापट्टनम में, तो यहाँ पर उतना ट्रांजिट नहीं है, अगर यहाँ से एक्सपोर्ट भी हुआ तो ये जाएगा मुंबई, और मुंबई 1150 किलोमीटर है आपके यहाँ से, विशाखापट्टनम पास में है, लेकिन वहाँ पर वो पोर्ट नहीं है ना जो केले की लोडिंग को अवेलेबिलिटी मिले, वो ट्रांजिट नहीं है। एक बार साइजेबल 1000-2000 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का केला, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट वाला केला चालू हुआ तो वहाँ पर एक यूनिट बन सकता है। तो अभी हम साइज भी बनाएंगे तो हमें लंबी दूर ट्रेवल करने वाला बनाना है, नहीं तो डोमेस्टिक में तो जाना ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें फार्मिंग ही ऐसी करना है कि माल जब कटे तो पत्तों की संख्या ज्यादा रहे, तो उसमें ग्राफ बड़ा लेना ही पड़ेगा, ये कम से कम 5x8 अच्छा ग्राफ। जैसे अपन बोलते हैं 5x9 ज्यादा बेस्ट है, अपन 9x5 क्यों नहीं कर पाते हैं, मतलब? हाँ, ये एकदम बढ़िया प्रश्न है। अभी आपने अगर 9x5 किया तो होगा क्या कि ये जो 5 है ये हो गया 9, तो मोटा मोटा क्या माने हम, ये ड्रिप हट गई, ये 9 ही हो गया इसको मान लो, क्योंकि 10 है, 1 फीट का एरर है। अभी इसने कितना भी पत्ता दिया तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा रहेगा। तो ये जो धूप जाने की जगह है, आप ख्याल करो कि आप 15 मई को 3 बजे खेत में खड़े हो और पौधे का पत्ता इतना ही है, बीच में 2-3 फीट की गैप है, तो कितना टेम्परेचर होगा आपके खेत में? 15 मई 3 बजे, और केले को टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए झिकझिक है। दूसरा, जब गर्म हवा बहेगी तो ये चौड़ा पट्टा मिलेगा हवा को अंदर बाहर जाने के लिए। इस पूरे ग्राफ में चौड़ा पट्टा किधर है ढूंढो, इस ग्राफ में नहीं मिलेगा क्योंकि झिकझिक है। इधर से देखोगे तो 4 फीट है, इधर से देखोगे तो 5 फीट है, तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर बाहर नहीं होगी। 5 में भी अपन झिकझिक ही करना है, 9x5 करके अगर करे तो बचत चाहिए ही नहीं, केला लगाना है मतलब पानी चाहिए आपके पास, बचत नहीं चाहिए नहीं तो केला नहीं होगा। हाँ, कीचड़ नहीं चाहिए, डेली का पानी चाहिए। 9 तो ये हो ही गया ड्रिप से ड्रिप, इसमें जिगजैग आप 5 में कर रहे हो तो किधर हो रही है? उधर ही हो रही है। ये तो चौड़ा पट्टा मिल गया ना ठंडी को घुसने के लिए, गर्मी को घुसने के लिए, इसमें तो कोई सामने आया नहीं ना जिगजैग के लिए, पैसे ज्यादा दे दिए ना, इसलिए 5 से ऊपर जाना ही गलत है, इसलिए 5 से ऊपर जाना ही गलत है। अब इधर आपने 9 किया तो सामने आ गया ना, 4.5 हो गया, तो इधर जिगजैग पॉसिबल है। अब आपने 5 पे जिगजैग भी कर लिया है तो 5 ही, और एक पौधे का पत्ता ही 2 मीटर का आता है कि इस पौधे से भी आगे निकल गया वो, और ये इधर घुस रहा है, ऐसे घोचपोच हो रहा है, इसलिए 5 नहीं चाहिए। जो हम सर्कल बनाने का सोच रहे हैं तो पत्ते तो फिर कम ही होंगे, इसलिए वो 5 नहीं चाहिए। और अभी इसका पिल रखेंगे, ये जब बड़ा होगा तो ये 30-35 इंच 40 इंच का होगा, मतलब 1 फीट इधर आ गया, ये 1 फीट इधर आ गया, 5 वैसे एक एक आया तो 3 ही बचा। अब बच्चा रखोगे कहाँ पे? तीसरा भी रखना है, दूसरा भी रखना है, तीसरा भी रखना है, चौथा भी रखना है, तो होगा कब? जब ये उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे बढ़ने के लिए कि अगला यहाँ पे रखा, अगला यहाँ पे रखा, एक साल के यहाँ रख लिया, अगले लगभग चौतरफा अगर आप एक एक डॉट को क्लियर करते जाओगे
तो आप सीधे जाके खड़े हो जाओगे 5x9, इसके अलावा कोई ग्राफ है ही नहीं केले के लिए। 10 में जा सकते हैं? 10 में जा सकते हैं, 9 से अंदर नहीं आ सकते। हम इस साल 10 में जाएंगे, अभी 5x9 में लगा है ना, अभी 5x10 में लगा हुआ है, यहां पे बढ़ा लिया, इसको अगला रिटर्न को यहां तैयार कर लिया, तो वो गैप फिर से उतना मेंटेन। और ये लगाया तो आप हर 6 महीने में केले की कटिंग छत्तीसगढ़ में ले सकते हो, ठंडी वाला पीरियड आया तो 8 महीने आएंगे, वरना हर 6 महीने में केले की कटिंग आएगी छत्तीसगढ़ में। ये रिटर्न को साइमल्टेनियसली बढ़ाते चलना है। यस, हर 6 महीने में नया बेबी रखा तो हर 6 महीने में कटिंग आपकी। ये जैसे पहला जैसे स्टार्ट में किया है, स्टार्ट में 10-11-7-8 महीना हुआ था, फिर रिटर्न 6 महीने में ही, 6 महीने में रिटर्न। अगर 5x8 के ऊपर ग्राफ है तो किसी को पूछना नहीं, 6 महीने में बच्चा रखना है, फल आएगा नहीं फल आने से पहले, ज्यादा मोटा नहीं हुआ तो भी रखना। बड़े ग्राफ में पौधा ठिबक के चलेगा और तना मोटा होगा ही, बड़े ग्राफ में। छोटे ग्राफ में 5x5, 5x6 पतला पतला चलेगा, उसमें नापना और सब करना जरूरी। अच्छा। मैंने जो विधि बताई है 5 महीने में 25 पत्ते, 25 इंच तने की मोटाई, उसके बाद बेबी रखना, तो जो सकरा ग्राफ है 5x5 उसमें वो पतला पतला चलेगा, तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई है। 5x8, 5x9 के लिए वो तो रुक के ही चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये 5x5 पास में लगाया और मैंने 5x8 या 5x9 लगाया तो मेरा धीमे चल रहा है, रुक रहा है। पहले साल आपको ऐसा ही दिखेगा, आपको लगेगा बोना रह गया, क्योंकि सारे पत्ते धूप ले रहे हैं तो पूरा धीमे 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 चल रहा है, ऊपर से कंपटीशन नहीं है, उधर के पत्ते इधर घुसे नहीं है तो ये पतला भगे। 5x5 आपको ऐसा लगेगा अच्छा है, लेकिन क्षणिक अच्छा है, छोटा पेड़ माल कटेगा जब पत्ते कम हो जाएंगे, रटून आएगी नहीं। ये पहले साल लगेगा कि कमजोर चल रहा है, धीमे चल रहा है, अगले साल, तीसरे साल, चौथे साल, हर साल वेट ज्यादा बढ़ेगा। बड़े ग्राफ में 5x5 का आपने 20 किलो लिया तो अगला 15 किलो आएगा, और 5x9 में 20 किलो लिया तो अगला 25 आएगा, तीसरा 30 आएगा, चौथा 35 आएगा। उसी खेत में उसी पौधे का कंटिन्यू बढ़ते क्रम में वेट आएगा, क्योंकि इसका न्यूट्रिशन मिल गया और थोड़ा सा हमने दिया। यहाँ इस एरिए में डे और नाइट का टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तब जाएगी, एकदम तब जाएगी और शाम 6 बजे के ही ठंड चालू हो जाएगी। इसके लिए बहुत मॉडरेट है, मैक्सिमम 32 से नीचे 24-22। इसके लिए ही बायोमास आच्छादन करना है कि ये जो ताप है इसका ताप बढ़े ना। और मैंने आपके खेत में रुका तो मैंने बताया वो रेतीली है तो पानी का ड्रेनेज अच्छा है आपके यहाँ, इसमें दिख नहीं रहा लेकिन कुछ है रेत के कण, इसीलिए ड्रेनेज हो रहा है। तो ड्रेनेज अच्छा है तो पुराना पानी रुकता नहीं, ताजा पानी देना पड़ेगा नहीं तो पौधा मरेगा। कंडीशन क्या, पुराना रुका नहीं, ताजा दो नहीं तो पौधा रुकेगा या ड्राई होगा या डैमेज होगा। यही कंडीशन आंध्रा की है, इसीलिए वहां का केला सबसे प्रीमियम आता है। आंध्रा चालू होता ना तो दिल्ली और आंध्रा की दूरी 1700 किलोमीटर है, वहीं बीच में बड़वानी आता है 1000 किलोमीटर, वहीं जलगांव आता है 1200 किलोमीटर, लेकिन व्यापारी 1700 किलोमीटर से माल लेना पसंद करता है जो 5 दिन में पहुंचता है। रेट ट्रांसपोर्ट का जो बड़वानी है उससे डबल रेट है ट्रांसपोर्ट का, पैसे ज्यादा देने को तैयार है, क्वालिटी चाहिए बस। आपके यहाँ से दिल्ली का ट्रेवलिंग कितना है? 1200। तो जो एमपी का है 1000 और जलगांव का 1200 है, वही 1200 आपका है, तीसरे दिन की मंडी होना है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमारे पास एक्सपोर्ट की भी लाइन है, डोमेस्टिक की भी लाइन है, जहां से कनेक्शन होगा, लेकिन चाहिए माल कंटिन्यू और क्वालिटी, दो ही चीजों की शर्तें हैं बस। ये तो एकदम मिडिल में है ना, कलकत्ता भी सेम डिस्टेंस 600-700 किलोमीटर, ये ज्यादा नजदीक है कलकत्ता आपका, ज्यादा नजदीक हमारे यहाँ बड़वानी से आता है कलकत्ता।